नमस्ते, अरुणमा के किचन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों को हमारी रेसिपीज अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आज हम बनाएंगे न्यूट्रीला और हरी मटर का पुलाव। न्यूट्रीला और हरी मटर का पुलाव बनाने के लिए हमने ये न्यूट्रीला को उबाल लिया है। ये अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। ये आधी कटोरी हमने न्यूट्रीला लिया है, आधी कटोरी हरी मटर ली है। अब इसका हम पुलाव बनाएंगे। पुलाव हम कुकर में बनाएंगे। कुकर हमारा गरम हो गया है। अब इसमें हम 2 टेबल स्पून डाल देंगे देसी घी। घी हमारा गरम हो गया है, इसमें हम 2 तेज़ पत्ता डाल देंगे। 12 काली मिर्च डाल देंगे। छः हरी इलायची डालेंगे। तीन बड़ी इलायची हमने ली है, इसको डाल देंगे। 8 लौंग डालेंगे। 4 दालचीनी के टुकड़े लिए हमने, इसको डाल देंगे। 1 टीस्पून डालेंगे जीरा। 1 टीस्पून डाल देंगे इसके अंदर। काजू को हम हल्का सा भून लेंगे। काजू हमारा हल्का सा भुन गया है। जो न्यूट्रीला हमने उबाल के रखा था इसको डाल देंगे। हरी मटर डाल देंगे। इन सबको भी हम भून लेंगे हल्का सा। कटोरी हमने चावल लिए हैं, इसको हमने अच्छे से धुल के 3-4 बार लिया है। अब इसको हम कुकर में डाल देंगे। चावल को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस कटोरी से नाप के हमने 2 कटोरी चावल लिए थे, इसमें हमने 4 कटोरी पानी डाल दिया है। हाफ टी स्पून डाल देंगे नमक। हाफ टी स्पून डाल देंगे गरम मसाला।
नमक और गरम मसाले को हम अच्छे से चावल में मिक्स कर देंगे। कुकर हम बंद कर देंगे, दो सीटी आने तक इसको हम पकाएंगे। दो सीटी आ चुकी हैं, कुकर हमारा अच्छे से ठंडा हो गया है, पुलाव हमारा बन गया है। अब इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। हमारा न्यूट्रीला और मटर का पुलाव बनकर रेडी है।